हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल इट्स ऑसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। हम ब्रायोफाइट्स के मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स को दोनों को अच्छे से क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपके वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी तक, आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये ब्रायोफाइट्स के पार्ट्स है। ब्रायोफाइट्स के दो पार्ट्स है, लिवरवॉर्ट्स, ठीक है, और मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स किससे बिलोंग करता है? हेपेटिक ऑक्सीडा से। ये मॉइस्ट एरिया में, शेडी प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है, पार्क ऑफ ट्रीज पे। ये देख सकते हैं आप, ये लिवरवॉर्ट है। कौन से स्पीशीज है ये, कौन सा टाइप है ये? मार्केंशिया। और ये फीमेल थैलस है, ए पार्ट, और बी वाला जो है वो मेल थैलस है। ठीक है जी, अगर फीमेल में क्या होता है, आर्किगोनियोफोर, राइट, और मेल में क्या होता है आपका, एंथीडियोफोर। ठीक है, राइजोइड्स क्या करते हैं, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, प्लांट को। ठीक है, थैलस की बात करें तो मार्केंशिया का एग्जांपल दे दिया गया है यहाँ पे। लीफी मेंबर्स जो होंगे वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेंगे। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और लिवर वॉर्ट्स में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्शुअल सेक्शुअल दोनों तरीके से कर लेते हैं। असेक्शुअल के लिए इनको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, यानी अपने पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल पार्ट्स में, किसको, थैलेस को। सो दिस, ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपका थैलेस है। ठीक है, दिस फुल पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेस। तो अब और कैसे कर सकते हैं, या फिर वो गैमा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, गैमा कप आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये गैमा प्रोड्यूस करेंगे। असेक्सुअल बर्ड्स बोलते हैं इन्हें, तो ये गैमा कप जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इन गैमा कप्स में गैमा प्रोड्यूस होते हैं जो कि ग्रीन, मल्टीसेलुलर, असेक्सुअल होते हैं। ये गैमेज जो होते हैं ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं तब। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है, ठीक है, और मेल एंड फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इनके पास फुट सीटा कैप्सूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैप्सूल दिख जाएगा, सीटा दिख जाएगा, एंड दिस पार्ट इज फुट, राइट। ये तीन पार्ट रहते हैं। मियोसिस के बाद ये कैप्सूल्स जो रहते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये वाले कैप्सूल्स में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, राइट। और नीचे आप राइजोइड्स देख ही सकते हैं जो कि क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। एग्जाम्पल्स कोई भी इजी टू एग्जाम्पल्स राउंड कर लीजिए, पीलिया पोरेला, पीशिया मार्केंशिया। नेक्स्ट बात करते हैं मॉसेस की। मॉसेस भी इसका पार्ट है ब्रायोफाइट्स का, और इसको ब्रायोप्सिडा कैटेगरी में हमने कवर किया है। इसे जनरली मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में देखा जाता है, रेन में देखा जाता है, और कुछ मॉसेस डेजर्ट बॉग्स में या स्ट्रीम्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट बॉडी में गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है, जिसकी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि गैमेटोफाइट पहले होता है, एंड देन फ्रॉम गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होता है, राइट। तो गैमेटोफाइट्स जो रहते हैं वो प्रीडोमिनेंट स्टेज है, उसके बाद उसकी जो प्रोटोनेमा स्टेज होगी वो स्पोर बनाती है। जनरली ये क्रीपिंग होते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें, क्रीपिंग यानी रेंग सकते हैं, फिलामेंटस होंगे, और सेकेंड स्टेज जो रहेगी इसकी लीफी स्टेज रहेगी, ठीक है जी। एंड दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सीधी स्लेंडर एक्सेस होंगे, जिनके पास लीव्स होंगे और इन्हीं के पास सेक्स सेल्स होंगे। अगर मैं आपको इस ये वाली इसमें दिखाऊं तो ये आपके इस आर्कियोगोनियोफोर और एंथीडियोस्पोर, इन्हीं के पास क्या मिलते हैं, इन्हीं के पास मिलते हैं आपके पास सेक्स सेल्स, जो कि फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फाइनली क्या बनता है, जायगोट। ठीक है जी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं राइजोइड्स की। तो राइजोइड्स इनके लॉन्ग मल्टीसेलुलर रहते हैं, राइट, और ये क्या करते हैं, ये फिक्सेशन में काम आते हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं, और सॉइल के साथ होल्ड करने में प्लांट को काम आते हैं। और ये पानी किस तरीके से या इंपॉर्टेंट मिनरल किस तरीके से लेते हैं, कैपिलरी एक्शन की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक से
अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के हम क्या करते हैं, पानी को सक करते हैं, इसी तरीके से ये क्या कर लेते हैं, वाटर सप्लाई सारे एगल पार्ट्स तक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्शुअल मींस दोनों तरीके से होगा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कोई भी जो इनका पार्ट होगा वो फ्रेगमेंट अपने टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसका हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेबिलिटी होगी एक न्यू प्लांट को बनाने की, यानी एक न्यू मॉस को बनाने की। ठीक है जी, और इसकी जो सेकेंडरी प्रोटोनोइमा स्टेज होगी उसके पास एक्सपोज राइजोइड्स होंगे, यानी राइजोइड्स जो होंगे वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मॉसेस, वी हैव लर्न अबाउट मॉसेस राइट। तो द डिफरेंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्सी वेंट्रल रहता है, रेडियल सिमेट्री रहती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से कट कर लो उसकी सिमेट्री सेम रहेगी। डॉर्सी वेंट्रल यानी बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, मतलब आप उसे बीच में से काटोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ सिमिलर होगा। फ्लांज में थैलॉयड होते हैं जिसे हम फोलियोस बोलते हैं, थैलस रहता है, मिडरिब इनमें नहीं होती है और लीव्स जो होंगी इनकी अनब्रांच्ड होंगी। मॉसेस राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होंगे, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स के पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे राइट। कंडक्टिंग स्ट्रैंड यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट रहेगा। स्पोरोफाइट में अभी आपको दिखा चुकी हूँ फूड सीटा और कैप्सूल रहेगा, बट इस केस में मॉसेस में फूड सीटा और कैप्सूल नहीं रहेगा राइट। कैप्सूल के पास इलेटर्स भी होंगे, यहाँ पे कैप्सूल के पास इलेटर्स नहीं होंगे। डीहाइसेंस इलेटर के थ्रू होता है, यानी इलेटर्स खुल जाते हैं और उसमें से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, बट यहाँ पर इसकी जगह पेरिस्टोम होगा जो इसका फंक्शन करेगा। प्रोटोनेमा स्टेज यहाँ प्रेजेंट रहती है, बट प्रोटोनेमा स्टेज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट रहेगी कब, जब वो जुवेनाइल स्टेज में होगा, यानी जब वो मेच्योर नहीं हुआ होगा। ठीक है, उस टाइम पर ये आपकी प्रोटोनेमा स्टेज रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा राइट। अगर वीडियो समझ में आई और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस और बनती रहें, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।